बुंदेलखंड के महोबा जिला अस्पताल में तैनात दो कर्मचारियों के कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित पाए जाने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बीते 29 अप्रैल को जिला अस्पताल में कार्यरत 28 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें दो की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन सख्ते में आ गया है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस केस मिलने के चलते समूचे नगर को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। अपनी अपनी सरकारी गाड़ियों से निकले दोनों अधिकारियों ने माइक से अनाउंस कर सभी को घरों में रहने की हिदायत दी है। कोई भी नहीं, पत्रकार भी नहीं, सारे लोग अपने नहीं चलेगा। महोबा जिला अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है, तो वहीं जिला अस्पताल को सैनिटाइज करने के लिए सीएमओ ने निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो महोबा में राठ निवासी डॉक्टर एसपी सिंह के संपर्क में आने से महोबा में तैनात दो आउटसोर्स कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने से दोनों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। हालात को काबू में रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। डीएम एसपी सड़कों पर उतर कर सामने आए हैं, साथ ही शहर को हॉटस्पॉट घोषित करने के आदेश मिले हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिला अस्पताल में तैनात दो कर्मचारियों के कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित पाए जाने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बीते 29 अप्रैल को जिला अस्पताल में कार्यरत 28 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें दो की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन सख्ते में आ गया है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस केस मिलने के चलते समूचे नगर को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। अपनी अपनी सरकारी गाड़ियों से निकले दोनों अधिकारियों ने माइक से अनाउंस कर सभी को घरों में रहने की हिदायत दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं।